बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फॉरेंसिक सेक्सोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्सोलॉजी के पास्ट यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सेक्सोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो यूक्यू है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस का है। डिफाइन रेप एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉयरिज्म। तो जो रेप होता है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो रेप कोई भी इलीगल या अनलॉफुल इंटरकोर्स को बोलते हैं। कभी कभार रेप और जिना में फ़र्क आ जाता है। तो जो रेप होता है वो सिर्फ मैन कमिट कर सकता है, लेकिन जो जिना है वो मैन और वुमैन यानी मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। जो जिना है वो हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर आता है। रेप पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 375 के अंदर आता है। जिना तमाम अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन ये रेप एक स्पेशलाइज टाइप का जिना है जो कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ओके, ठीक हो गया। अब रेप किस कंडीशन के अंदर होगा? जब कोई बंदा उस वक्त तक उसको रेप कहेगी जब वो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करेगा किसी वुमेन के साथ, तो कुछ कंडीशन होती है। या तो उसकी विल के अगेंस्ट होगा या उसकी कंसेंट के अगेंस्ट होगा। अगर कंसेंट ली है लेकिन जो कंसेंट है उसको डराने धमकाने के बाद ली है, या फिर कंसेंट ली है लेकिन जो मर्द है वो जानता ये है कि वो इसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन फीमेल या वुमेन वो जानती है कि, या वो गलत फहमी के अंदर मुब्तला है कि जो बंदा इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो इसका हस्बैंड है, या कंसेंट उस वक्त ली गई है जब वो इंटॉक्सिकेटेड थी या उसके अंदर कोई डिजीज था माइंड का, या फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक्ट को समझ नहीं सकती थी, ठीक हो गया, या फॉल्स इंपर्सोनेशन से कंसेंट ली गई है, या फिर अपनी वाइफ के साथ भी रेप कह सकते हैं उस इंटरकोर्स को, लेकिन जो वाइफ होती है वो 15 ईयर से नीचे होती है। रेप को प्रूफ करने के लिए ये होना चाहिए कि जो पेनिट्रेशन है वो होनी चाहिए। अगर पेनिट्रेशन होगी तभी इस टाइप के सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप के अंदर डालते हैं। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का यानी जो मेल होता है अपनी वाइफ के साथ कर सकता है, लेकिन अगर वाइफ अगर 15 से नीचे है तब हम इसको क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं। लेकिन अगर 15 से नीचे नहीं होगी तब हम इसको क्या कहते हैं? इसको रेप नहीं बोलेंगे। तो ये रेप के डिफरेंट कंडीशन है और इसको 376 लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर सेक्शन कोड 375 लिखा हुआ है, तो उसको आप ठीक कर लेना वैसे, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि वो वॉयरिज्म को पूछ रहे हैं। जो वॉयरिज्म होता है जो सेक्सुअल परवर्जन या आप पैराफिलिया वाले टॉपिक के अंदर होता है, जो वॉयरिज्म है इसके अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो कैसे अचीव होती है? वॉयरिज्म के अंदर जिसको स्कोटोफिलिया कहते हैं, इसमें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन होती है जब किसी दूसरे बंदे को सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलावस देखना, तो इस टाइप की ग्रेटिफिकेशन को बोलते हैं वॉयरिज्म। जो वॉयर्स होते हैं उनको पीपिंग टॉम बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट पर पीयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। कभी कभार एग्जाम में रेप और अडल्ट्री में फर्क आ सकता है। तो जो रेप होता है वो ऑफेंस होता है बॉडी के अगेंस्ट, जो अडल्ट्री होती है ये ऑफेंस होता है अगेंस्ट द मैरिज। जो रेप होता है वो कमिट किया जाता है कंसेंट के बगैर, लेकिन जो अडल्ट्री या फोर्निकेशन होती है वो हमेशा कंसेंट के साथ ली जा सकती है, लेकिन उस वुमेन की कंसेंट होगी, हस्बैंड की कंसेंट नहीं होगी। अडल्ट्री में होता ये है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर एक पार्टनर होता है वो मैरिड होता है, ठीक है, ओके। इस केस में रेप के अंदर जो एग्रीवेट पार्टी होती है वो वुमेन होती है, जबकि अडल्ट्री के अंदर हस्बैंड और वुमेन होता है जिसकी वाइफ ने आगे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ऑफेंस बाय द हस्बैंड है, यानी जो हस्बैंड है वो रेप कर सकता है अपनी बीवी का, लेकिन अगर वो 15 से नीचे हो। लेकिन इस केस में अडल्ट्री के अंदर हस्बैंड अपनी ही वाइफ का रेप नहीं कर सकता। मैरिटल स्टेटस यानी जो रेप होता है ये मैरिड या अनमैरिड वुमेन के साथ कमिट किया जाता है, लेकिन जो अडल्ट्री है वो सिर्फ मैरिड वुमेन के साथ ही कमिट की जाती है। रेप की पनिशमेंट 7 साल तक होती है, या डेथ पेनल्टी या फाइन होता है, लेकिन इसकी पनिशमेंट 5 साल तक होती है, ओके। तो वॉयरिज्म का भी बता देता हूँ। वॉयरिज्म होता क्या है? वॉयरिज्म के अंदर जिसको आप पीपिंग टॉम बोलते हो, ओके, तो वॉयरिज्म के अंदर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन होती है जब किसी नेकेड पिक्चर को देखते हैं या किसी दूसरे बंदों को देखते हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर मुलाविस होते हैं, तो उसको वॉयरिज्म या स्कोटोफिलिया बोलते हैं। ये सारी सेक्सुअल परवर्जन होती है। सेक्सुअल परवर्जन ऐसे एक्ट होते हैं जिनसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है बगैर किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के, और ऐसा पर्सन जो सेक्सुअल परवर्जन के अंदर इन्वॉल्व है उसको डेविएट या सेक्सुअल परवर्ट बोलते हैं। इसमें सैडिज्म है जिसमें पेन देकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, मेसोकिज्म जिसमें पेन लेकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, सैडोमज़ोकिज़्म बॉन्डेज है दोनों को मिला दो आप, फैटिकिज्म है जिसके अंदर जो फीमेल पार्ट ऑफ द बॉडी को देखने के बाद ग्रेटिफिकेशन मिलता है या उसके कोई आर्टिकल्स होती है, ठीक है। तो फैटिकिज्म में कैसे ग्रेटिफिकेशन मिलती है? कोई कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, लाइक कोई फीमेल बॉडी के सर्टेन पार्ट से या क्लोथिंग है, दूसरे आर्टिकल्स होते हैं लाइक साड़ी है, फुटवेयर है, स्टॉकिंग है, अंडरगारमेंट होती है। ट्रांसवेस्टिज्म के अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो दूसरे ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहनने से मिलती है, लस्ट मर्डर के अंदर जो सैडिस्ट पर्सन है वो मर्डर कर लेता है। नेक्रोफेजिया, इसमें डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है, ओके।
नहीं, नेक्रोफेजिया के अंदर ईट करने से, टेयर आउट करने से, नेक्रोफिलिया का मतलब है कि जो रेप होता है डेड बॉडी के ऊपर। ब्लू फिल्म के अंदर, जो थिएटर के अंदर एक गंदी फिल्म लगी होती है तो उसको ब्लू फिल्म बोलते हैं। ट्रॉलिज्म एक्सट्रीम डिग्री होती है वॉयरिज्म की। मास्टरबेशन के अंदर मैनुअल स्टिमुलेशन होती है जेनिटेलिया की। निम्फोमेनिया एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है वुमेन के अंदर तो उसको हम निम्फोमेनिक बोलते हैं। मेल के अंदर अगर सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अराउजल काफी ज्यादा होता है उसको स्टाइरेसिस बोलते हैं। फ्रोटोरिज्म के अंदर जेनिटेलिया को रब करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है, तो उसको फ्रोटोरिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म के अंदर जो पर्सन होते हैं उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है जब वो दूसरे ऑपोजिट पार्टनर से चैटिंग करता है फोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और लास्ट है अंडिनिज्म। जो अंडिनिज्म है ये रेयर टाइप ऑफ सेक्सुअल परवर्जन होती है जिसके अंदर जो यूरिन को पास करते हुए देखना या डेफिकेशन करते हुए देखने से ही ग्रेटिफिकेशन मिलती है। ठीक हो गया, तो आपको मैंने सारी सेक्सुअल परवर्जन की डेफिनेशन बता दी है। जो सेक्सुअल परवर्जन है उनको डेविएशन भी बोलते हैं या पैराफिलिया बोलते हैं। ठीक हो गया, तो हम इसको डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेडिकल एग्जामिनर सेंट डिफरेंट स्वैब्स टेकन फ्रॉम द एलिज विक्टिम ऑफ रेप टू द फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी। तो नेम द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ सीमन इन दिस टेस्ट है या इन दिस प्रोसीजर है। तो जो सीमन की आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन सीरोलॉजी से लिया गया है, लेकिन चलो यहाँ से कर लेते हैं। तो सीमन की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ प्रिज्यूमटिव टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है और कुछ कन्फर्मेटरी होती है। प्रिज्यूमटिव या स्क्रीनिंग के अंदर बारबिडियो फ्लोरिसेंस जिंक टेस्ट होता है, एसिड फॉस्फेटेस या बेंटामिन फास्ट ब्लू टेस्ट होता है। इसके अलावा अदर टेस्ट में अलीसा और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं। बारबिडियो टेस्ट के अंदर येलो नीडल शेप स्पर्मीन पिक्रेट के क्रिस्टल देखते हैं। जो पिक्रेट होता है वो येलो रंग का होता है। फ्लोरेंस के अंदर ब्राउन रोम्बाइड क्रिस्टल होते हैं। और याद करना कि जो ब्राउन रोम्बाइड क्रिस्टल होती है वो एक जगह पे और भी थे, आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ था जो टेकमैन या हेमिन क्रिस्टल टेस्ट है वहाँ पे भी ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल बनते थे, लेकिन यहाँ पे कोलिन आयोडाइड के बनते हैं जबकि वहाँ पर बनते थे हेमिन के बनते थे। ओके, जिंक टेस्ट में सीमन डिटेक्टेड होता है जबकि एसिड फॉस्फेटेस के अंदर पर्पल एजोडाई बनती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है जिसमें स्पर्म्स को करोगे। ओके, फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोलॉजिकल मेथड होते हैं। तो ये सीमर के कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ कंफर्मेटरी आइडेंटिफिकेशन होती है और कुछ होती है स्क्रीनिंग पर्पस के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते होते हैं। ओके, इसके बाद है कि हिस्ट्री है अलीज सेक्सुअल असॉल्ट की। ब्रीफली डिस्कस द प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सच केस है। तो इसको एक मरतबा देख लेते हैं क्योंकि इतनी मरतबा क्वेश्चन आने हैं कि आप एग्जामिनेशन करो ऑफ अ केस ऑफ रेप या विक्टम ऑफ रेप है। ठीक है, तो जो जिना बिल जबर या रेप की जो विक्टम होती है उसकी एग्जामिनेशन के बार बार क्वेश्चन आई है, तो एक ही मरतबा अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्री एग्जामिनेशन है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन के अंदर आपने क्या क्या चीजें लेनी है। रिक्विजिशन है, आइडेंटिटी आती है, कंसेंट है, बायोडाटा है, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, थर्ड पार्टी है, इसके बाद अदर रिक्वायरमेंट आ जाती है और लास्ट है पोजीशन है। ओके, तो पहला प्री एग्जामिनेशन, इसके बाद नंबर टू आ जाएगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जनरल इंप्रेशन आ जाएगा और हिस्ट्री आ जाएगी। ओके, जो हिस्ट्री होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्पेसिफिक हिस्ट्री और एक होती है जनरल और ऑब्स्ट्रिक्टेड हिस्ट्री। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद हम आ जाएंगे क्लॉथ एग्जामिनेशन की तरफ। फिर आ जाएगा बॉडी एग्जामिनेशन है। जो बॉडी की एग्जामिनेशन होती है उसमें भी एक जनरल एग्जामिनेशन आती है, इसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, फिर जेनिटल एग्जामिनेशन है। ओके, फिर जेनिटल में भी लोकल जेनिटल एग्जामिनेशन, स्पेशल जेनिटल एग्जामिनेशन है और इसके साथ एनल एग्जामिनेशन भी पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विक्टम से। तो पहली हेडिंग होती है प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में रिक्विजिशन होती है, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन है, कंसेंट है, बायोडाटा इन्फॉर्मेशन है, डेट टाइम प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, थर्ड पार्टी और दूसरे रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्विजिशन के अंदर आपको प्रॉपर अथॉरिटी लेटर चाहिए पुलिस का। अगर अथॉरिटी लेटर नहीं होगा पुलिस का तो ये एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। इसके बाद आइडेंटिटी ऑफ पर्सन है। जो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन है वो पुलिस कांस्टेबल करेगा जो कि विक्टम के हमरा होता है, या इसके साथ आपने जो आइडेंटिफिकेशन करने वाला बंदा है, ठीक है, उसके में दो आइडेंटिटी मार्क्स को नोट करना है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद कंसेंट है। कंसेंट एग्जामिनेशन से पहले लेनी होती है अगर वो अडल्ट है। अगर वो अडल्ट नहीं है तो फिर कंसेंट 16 की एज होती है आई थिंक, तो 16 से नीचे है तो फिर पेरेंट्स या गार्डियन से लेनी है। और कंसेंट हमेशा डॉक्यूमेंट्री कंसेंट लेनी है, रिटन फॉर्म लेनी है। बायोडाटा इन्फॉर्मेशन है जिसमें नेम, फादर नेम, ये सारी बायोडाटा जो आप हिस्ट्री में लेते हो। डेट टाइम और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है। इसके बाद थर्ड पार्टी होती है, यानी जो एग्जामिनेशन होता है वो फीमेल डॉक्टर को ही करना चाहिए, या फिर अगर मेल अगर कर रहा है तो फिर फीमेल नर्स होनी चाहिए या कोई फीमेल रिलेटिव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अदर रिक्वायरमेंट। अदर रिक्वायरमेंट में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, स्टेज होना चाहिए और दूसरे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। लास्ट है पोजिशन। ओके, तो जो लिथोटॉमी पोजीशन होती है वो वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, जबकि न्यू एल्बा पोजीशन एनल एग्जामिनेशन के लिए होती है।
ये तो हो गया प्री एग्जामिनेशन, जिसमें आपने रिक्विजिशन भी कर लिया, आइडेंटिटी भी कर लिया, कंसेंट भी कर लिया, बायोडाटा भी कर लिया, डेट टाइम प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन भी है, थर्ड पार्टी भी है, अदर रिक्वायरमेंट भी है, अपोजिशन भी है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ विक्टम है, ओके, हिस्ट्री ऑफ विक्टम है। तो हिस्ट्री जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक हिस्ट्री और उसके बाद जनरल ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री है। तो जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है उसके अंदर आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेते हो, ओके, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कोई कोई मेडिकेशन तो नहीं ली थी आखिरी 24 घंटे में, या कोई लास्ट प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस क्या था, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस है और प्रीवियस चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री लेनी है, प्रेगनेंसी वगैरह की हिस्ट्री लेनी है अगर वो मैरिड है। तो ये जनरल और ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री होती है। इसके बाद बारी है स्पेशल हिस्ट्री की। स्पेशल हिस्ट्री जो एलिगेशन के बारे में होती है उसको बहुत ध्यान से सुनना होता है, लाइक टाइम डेट और प्लेस है। पहले टाइम डेट प्लेस था एग्जामिनेशन का, लेकिन अब टाइम टाइम डेट और प्लेस होती है वो एक्ट की है। फिर इसके बाद फर्स्ट कंप्लेन यानी एक्सप्लेनेशन बतानी है, कपड़े किसने उतारे थे विक्टम से और कैसे उतारे गए थे, असॉयलेंट से कैसे रिमूव किए गए थे, ठीक है, और किसने रिमूव किए थे, कोई फोर्स वगैरह अप्लाई तो नहीं की थी, कोई पेन वगैरह एक्सपीरियंस तो नहीं किया था, विक्टम और असॉयलेंट की क्या रिलेटिव पोजीशन थी, क्या जैकुलेशन वजाइना के अंदर हुई थी या बाहर हुई थी, क्या आपके साथ किसी एक बंदे ने ज्यादा की थी या ज्यादा नहीं की थी, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया गया था, क्या विक्टम ने कोई स्ट्रगल वगैरह की थी या असॉयलेंट ने उसको डैमेज किया था, ठीक है, या विक्टम ने उसको असाइलेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, ओके, ठीक हो गया। क्या विक्टम ने कोई कपड़ों को वाश किया था या चेंज किए थे, या फिर क्या विक्टम ने ये कोई चेंज है या वाश वाला दोनों आ जाएगा। फिर असाइलेंट का भी आपने कर लेना यहाँ से। जो फीमेल विक्टम होती है जिनाब जबर की, वो इमोशनली वेरी टेंस होती है, डिप्रेस्ड होती है, सुसाइडल होती है, ओके, तो वो इन सब चीज़ों को बताना नहीं चाहती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो फिर आपने एम्पैथी वगैरह से काम लेना, सपोर्ट और इनकरेजमेंट करनी है। तो ये स्पेसिफिक हिस्ट्री है, उससे पहले जनरल और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है। इसके बाद आ जाएगा जनरल इंप्रेशन। जनरल इंप्रेशन में उसका बिहेवियर नोट करना है, कैसा बिहेवियर है, कैरेक्टर कैसा है, उसका इखलाक कैसा है, एज को देखना है, ओके, और एज के साथ ये देखना है कि उसकी बिल्ड क्या है, फिजिकल और सॉरी सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स कितने डेवलप कर गया है। गेट को नोट करना है जो कि ब्रॉड बेस होगा और शॉर्ट होगा। मेकअप को देखना है जो कि डिस्टर्ब मेकअप, और इसके अलावा मेंटल स्टेटस है जो फ्राइटन और डिप्रेस होती है। स्पीच को देखना है कि कन्फ्यूज शाय और स्लर्ट तो नहीं है। स्ट्रगल एविडेंस मार्क्स को देखना है और एग्जामिनेशन ऑफ फिंगर नेल्स करनी है, ओके, ठीक हो गया। तो फिंगर नेल की एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर जो ठीक है, क्योंकि जो असॉयलेंट होता है जिसने इस पर वो किया है, ठीक है, या जो एक्यूज होता है जिस पर इल्जाम है, उसके कोई ना कोई स्किन टिश्यू आ सकते हैं उसके फिंगर नेल स्क्रैपिंग के अंदर। तो ये क्या आ गया, जनरल इंप्रेशन। जो जनरल इंप्रेशन, फिर इसके बाद हिस्ट्री देख लिया, अब आएगी क्लॉथ्स की एग्जामिनेशन होती है। अब जो क्लॉथ्स की एग्जामिनेशन होती है तो इसमें विक्टम को पहले स्टैंड करवाना है, ठीक है, प्लेन वाइट क्लॉथ जिसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। तो पहले जो एग्जामिनी या जो विक्टम है उसको स्टैंड खड़ा करवाना है प्लेन वाइट क्लॉथ के ऊपर। फिर विक्टम को कहना है कि वो अनट्रस्ट करे। फिर क्लॉथ्स को प्रॉपर लाइट के अंदर इंस्पेक्शन करनी है, लाइक कि क्लॉथ्स की मैनर क्या था, स्टेट ऑफ क्लॉथ्स क्या था, कोई स्ट्रगल मार्क्स की वजह से डैमेज तो नहीं हो गया, क्लॉथ्स के ऊपर स्टेन कौन कौन से है, स्लाइवा, सीमन, ब्लड, यूरिन, उनका प्रिजर्व करना है, हेयर है जो असॉयलेंट के प्यूबिक एरिया से आ सकती है या कोई और मटेरियल होते हैं। तो ये क्लॉथ्स की एग्जामिनेशन आएगी, यानी पहले प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन है, फिर अनड्रेसिंग है, फिर इंस्पेक्शन होती है डे लाइट के ऊपर, फिर मैनर और स्टेट ऑफ क्लॉथ का पता चलाना है, डैमेज है और कोई एनी स्टेनिंग है, ठीक है। तो जो वेट स्टेन है उनको एयर ड्राई कर लेना है। लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल अप्लाई करना है। लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ मटेरियल ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल जिनाब जबर के केस में जो साइलेंट होते हैं उसके हेयर विक्टम पे हो सकते हैं या वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर, मर्डर के अंदर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर या सॉडमी के अंदर यूज किया जाता है। तो ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस है, ऐसे सॉडमी है, एम से मर्डर और मर्डर में आर आ रहा है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी के अंदर आपने क्या क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन पहले, जनरल एग्जामिनेशन है, फिर इसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन, फिर जेनिटल एग्जामिनेशन है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, बेल्ट वगैरह, वाइटल साइन वगैरह देखते हैं, ओके, ये देखना है कि बॉडी स्ट्रांग है, वीक है, एनीमिया तो नहीं है या रेजिस्ट कर सकती है, रेजिस्ट करने की कितनी कैपेसिटी होती है, मेंटल हेल्थ है तो ये मेमोरी से पता चलेगा, कंसंट्रेशन, बिहेवियर है, फीलिंग और ओरिएंटेशन से पता चलेगा। लास्ट है इंजरीज। जो इंजरीज होती है वो ब्रूजेज हो सकती है या वो एब्रियन हो सकती है या बाइट मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जो कंटीजन होते हैं या एब्रियन होते हैं वो होल्डिंग पार्ट ऑफ द फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो स्पेशल इंजरीज है, फॉर एग्जांपल ब्रूज, स्क्रैचेस और एब्रियन, लोअर वन थर्ड ऑफ फोरआर्म के ऊपर होते हैं। इसके अलावा ये सेम इंजरी वन थर्ड ऑफ एंटीरियर मीडियल पार्ट ऑफ थाई, इनकी लोकेशन को याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है लोकेशन, ओके, तो ये इंजरी वगैरह हो सकती है। इसके बाद आप चलोगे स्टेन्स की तरफ। जो स्टेन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, स्लाइवा हो सकता है, यूरिन हो सकता है, फेसेस हो सकता है, सीमन हो सकता है, वजाइना का स्टेन, सॉरी इनका ये चारों स्टेन है, ब्लड, सीमन, स्लाइवा, यूरिन और फेसेस, वुल्वा के ऊपर, वजाइना के ऊपर और इनर आस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर हो सकता है। तो उनको कलेक्ट करना है। इसके बाद है
चीक्स और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, तो चीक्स को देखना कोई इंजरी तो वगैरह तो नहीं है, बाइट मार्क्स या एरिया ऑफ सक्शन वगैरह या पिटीचर हेमरेजेस तो नहीं है, ब्रेस्ट के ऊपर स्क्रैचेस कंटीजन वगैरह इन सब चीज़ों को देख लेना है। इसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन असॉइलेंट के और विक्टम की तकरीबन सब केसेज में की जाती है, ठीक है। तो ये हम किस केस में करते हैं कि बाज़ औक़ात डिफेंस प्लाया अप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये कहा जाता है अदालत के अंदर कि जो असाइलेंट था या एक्यूज था उसका माइंड ठीक नहीं था, तो उसको बोलते हैं फॉल्स डिफेंस प्लाया, हालांकि वो नाटक कर रहा होता है। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन इन कंडीशन के अंदर करती है। इसके बाद जेनिटल एग्जामिनेशन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जामिनेशन के अंदर, और यहाँ पर जो वजाइना और इनर केनाल की फाइंडिंग को नोट किया जाता है। तो पहले लोकल जेनिटल एग्जामिनेशन और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ लोकल के बाद आ जाएंगे स्पेशल की तरफ। तो लोकल के अंदर तीन एरियाज होते हैं, प्री हाइमन, हाइमन और पोस्ट हाइमन है। यहाँ पर एक बात रट्टा मार लो कि जो टेयर होता है हाइमन के ऊपर वो 1/4 होता है ऑन द किसी भी साइड पे हो सकता है 5 या 7 o'clock पोजीशन की तरफ, ठीक हो गया। और टेयर भी पोस्टीरियर साइड के ऊपर होता है, अगर टेयर एंटीरियर हाफ की तरफ हो तो वह मैनुअल इंटरफेरेंस को बताता है, यानी कि जो फॉल्स चार्ज परफॉर्म किया गया है। पोस्ट हाइमन एरिया के ऊपर इंजरीज और टोन होती है, और तीन स्वैब लेनी है, एक स्वैब एरिया अराउंड द वुल्वा, दूसरा स्वैब हाइमन से ऊपर और तीसरा स्वैब हाइमन से नीचे, यानी एक स्वैब लेना है आपने वुल्वा के अराउंडिंग टिश्यू से, दूसरा हाइमन से ऊपर और तीसरा हाइमन से नीचे है, ओके। इसके बाद प्री हाइमन एरिया, तो प्री हाइमन एरिया में डिटैच हेयर आ सकती है, सिक्रीशन या ऑयल या हेयर की स्वेलिंग हो सकती है, एब्रियन या ब्रूजेस हो सकते हैं, या स्वेलिंग टेंडरनेस या इन्फ्लेम्ड वुल्वा हो सकता है, ओके। इसके बाद है स्पेशल जेनिटल एग्जामिनेशन है, स्पेशल जेनिटल एग्जामिनेशन के अंदर चाहे वो वजाइना की होती है चाहे वो इनर किनाल की है, इनर किनाल की हम लेते होते हैं किस पोजीशन में, नी एल्बो पोजीशन में, जबकि वजाइना की होती है लेथोटॉमी पोजीशन के अंदर, और इन दोनों के चार स्टेप्स होते हैं, इंस्पेक्शन, बायलेटरल करेक्शन ऑफ लेबिया मेजूरा, डिजिटल एग्जामिनेशन और स्पेक्युलर एग्जामिनेशन जिसको इंस्ट्रूमेंटल भी बोलते हैं। जो वजाइना का एग्जामिनेशन है लेथोटॉमी पोजीशन के अंदर किया जाता है, लाइट एक्सपोजर अच्छे तरीके से होना चाहिए, लेथोटॉमी टेबल चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स है, स्पेक्युलर चाहिए डिफरेंट साइज का, ठीक है। जो इंस्पेक्शन होती है रीजन की सबसे पहले वो करनी होती है, इंस्पेक्शन के अंदर आप क्या क्या चीजें देखते हो, इंस्पेक्शन के अंदर जो जेनिटल एरिया होते हैं उनको देखते हो, इंजरी वगैरह, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, ब्रूजेस, स्क्रैचेस, ये सब चीजें देखते हो। इसके बाद लेबिया मजूरा की बायलैटरल ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से जो हाइमन है उसके एजेस विजिबल होते हैं, ऐसी वुमेन जिसका हाइमन इंटैक्ट हो तो उसको हाइमन या इसको विल्जो इंटेक्टा बोलते हैं, लेकिन अगर इंटरकोर्स होता है तो हाइमन रप्चर हो जाता है, हाइमन की लेसिलेशन होती है तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि वर्जिनिटी लॉस हो गई है, ओके। तो इसको देखने के लिए थंब रखते हैं 9 और 3 और 9 o'clock पोजीशन के ऊपर, लैटरल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से जो हाइमन है वो 6 और 12 o'clock पोजीशन के ऊपर अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद डिजिटल एग्जामिनेशन है, डिजिटल एग्जामिनेशन के अंदर वजाइनल कैनाल के क्या करते होते हैं, वजाइनल किनाल के साइज को देखते होते हैं, टोन है, टेंडरनेस है, लैक्सिटी को देखते होते हैं, ग्लव्ड इंडस अगर वजाइना के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, वजाइना की एपिथीलियम को पालपेट वगैरह करते हैं। लास्ट है स्पेकुलर एग्जामिनेशन, ये सेक्सुअली एक्सपीरियंस वुमेन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर स्पेकुला पास करते हैं वजाइना के अंदर ताकि वजाइना की म्यूकोजा को, इसके रफनेस को, ब्लीडिंग, इंजरी, स्वेलिंग, टेंडरनेस इन सबको मार्क किया जा सके। जो ब्रूजेस होती है वजाइना के अंदर वो डार्क ब्राउन एरियाज के अंदर होती है, स्पेसिफिकली एंटीरियर वाल के अपर 1/3 के अंदर, यानी अपर 1/3 के एंटीरियर वाल के ऊपर ही ब्रूजेस होते हैं, तो वह इंस्ट्रूमेंटल या स्पेकुलर एग्जामिनेशन से ही पता चलता होता है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे फाइंडिंग्स बताई हुई है, तो जो फाइंडिंग्स होती है वो डिफर करती है कि विक्टिम कौन सा है, विर्जन है या डिफ्लोरेटेड है या चाइल्ड है। तो जो विर्जन होती है इसमें जो फाइंडिंग होती है वो टिपिकल होती है, फॉर एग्जांपल वुल्वा के ऊपर रेडनेस होती है, ब्रूजेज है, स्वेलिंग होती है, स्क्रैचेज है, ब्लीडिंग है, हाइमन वाले एरिया के ऊपर जो रिसेंट रप्चर होता है, वजाइना के अंदर ब्रूजेस, टीयर यानी ऊपर वाली चीज़ें है, ब्रूजेस है, रेडनेस है, ब्लीडिंग है, पेरिनियम के ऊपर टीयर, स्क्रैचेज है, गेट ब्रॉड और पेनफुल होता है। डेफ्लोरेटेड के अंदर वजाइना के अंदर सीमन होता है, स्पेसिफिकली फॉर्निसिस के अंदर, वुल्वा के अंदर या गारमेंट्स के अंदर, स्ट्रगल एविडेंस मार्क्स देखने को मिलते हैं, या प्राइवेट पार्ट्स का कोई ना कोई डैमेज होता है। फिर इसके बाद चाइल्ड विक्टिम के अंदर क्या होता है, अगर पीनस थाई और वुल्वा के दरमियान प्लेस की गई थी तो जो इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलती है रेडनेस और टेंडरनेस होती है, लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई थी तो इस केस में टिश्यू की टेयरिंग होती है, लेसिरेशन होती है, ठीक हो गया। तो ये फाइंडिंग होती है चाइल्ड विक्टिम के अंदर। इसके बाद है इनर एग्जामिनेशन, इनर एग्जामिनेशन नी एल्बो पोजीशन के अंदर किया जाता है, इसमें भी चार स्टेप है, इंस्पेक्शन, बायलैटरल ट्रैक्शन, डिजिटल एग्जामिनेशन और स्पेकुलर एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन के अंदर आप एनस और सराउंडिंग स्किन को देखते होते हो, फर्स्ट इनर इंटरकोर्स के केस में जो रेडनेस होती है, ब्लीडिंग होती है, इनर स्किन का टेयर होता है, स्फिंक्टर और इनर म्यूकोजा में भी रेडनेस देखने को मिलती है। बायलैटरल ट्रैक्शन करते हो इनर स्फिंक्टर की, तो इससे आपको इनर टेयर की पोजीशन पता चलती है। डिजिटल एग्जामिनेशन तो ये काफी ज्यादा पेनफुल होता है, तो इसमें आपको इनर स्फिंक्टर की डायलेशन, टोन, साइज वगैरह पता चलेगा। स्पेकुलर एग्जामिनेशन के अंदर इनर म्यूकोजा वगैरह को देखते होते हैं, ब्रोजेस, स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी डार्क ब्राउन ब्रोजेस होती है। लास्ट है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन के अंदर
जो स्पेसिमेन होता है वो कौन कौन सा होता है, फॉरेन बॉडी या बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है, हेयर है विद कंट्रोल सैंपल है, नेल स्क्रैपिंग होती है या पूरा का पूरा नेल होता है, ओके ठीक है ओके। तो वो कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ जो फॉर स्पेसिमन कलेक्शन है, तो एरिया अदर देन द वुल्वा डेट इज़ बॉडी है ठीक है, एरिया अराउंड द वुल्वा और फ्रॉम वुल्वा, और वुल्वा में भी प्री हाइमन, हाइमन और पोस्ट हाइमन एरिया, और कौन कौन से स्पेसिमन को लिया जाता है, ये सारे स्पेसिमन आपको बता दिए हैं ओके ठीक हो गया। इसके बाद फैक्टर मॉडिफाइंग द फाइंडिंग है, इसको आप छोड़ दो। तो ये वाला क्वेश्चन है और इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप अपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप बेशक इसकी सिर्फ हेडिंग तैयार कर लो, लाइक एक पहली हेडिंग है प्री एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन में भी जो हेडिंग आती है रिक्विजिशन है, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन है, कंसेंट है, बायोडाटा इन्फॉर्मेशन है, डेट टाइम प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, थर्ड पार्टी की दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, पोजिशन होती है। इसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी मजीद तीन में डिवाइड कर देना, दो में डिवाइड कर देना, जनरल और ऑब्स्ट्रक्ट्रिक है, स्पेसिफिक हिस्ट्री है, फिर जनरल इंप्रेशन है, इसमें बिहेवियर, करेक्टर, एज, गेट है, मेकअप है, मेंटल स्टेटस होता है, स्पीच और स्ट्रगल एविडेंस, मार्क होते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ फिंगर नेल है, लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ होती है। फिर इसके बाद आप आ जाओगे एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, इसको भी तीन में डिवाइड कर देना, जनरल, सिस्टेमिक और जेनिटल, जेनिटल को दो में डिवाइड कर देना, लोकल और स्पेशल जेनिटल, और लास्ट में आके एनल की एग्जामिनेशन है, और सबसे लास्ट में भी लास्ट है वो है स्पेसिमन के कलेक्शन होती है ओके ठीक है। तो स्पेसिमन में क्लॉथ्स को लेना है, लूज मेटेड हेयर होते हैं, इसके अलावा स्वैब्स लेने हैं बॉडी से, तो वो सेमिनल स्ट्रेन या स्लाइवरी स्ट्रेन होता है, वजाइना के अंदर से इंट्रोइटस, परिनियम, यहाँ से एरियाज को नोट कर लेना, स्पेसिमन कौन कौन से लिए जाते हैं ओके, और कंट्रोल स्पेसिमन कौन कौन से होते हैं जिसमें ब्लड है, प्लग्ड हेयर है, स्लाइवर वगैरह आ जाता है। अब मैंने इसको इसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं नेक्स्ट लाइक, कि अब मैं बार बार इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यही है। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, तो फिर हमने एक बार तो बस को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, अब इसको बार बार तैयार नहीं करेंगे ठीक हो गया ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।